वीडियो दिखा देती हूँ आपको अपने फैब्रिक की। बहुत ही प्यारा फैब्रिक है ये देखिए, जिसमें जितना भी है ये सारा मोती का वर्क है। एंड मैं भी ये सीक्विन है जो मैंने लिया था। अभी सबसे पहले हम इस फैब्रिक को आयनिंग करेंगे, ठीक है, ताकि कटिंग में थोड़ा बहुत भी कहीं से ऊपर नीचे ना हो, कटिंग हमारी प्रॉपर रहे। सबसे पहले ये मेरी सिस्टर है जो आयनिंग कर रही है पूरे फैब्रिक को। अभी हम मेज़रमेंट के हिसाब से इस फैब्रिक को अच्छे तरीके से बिछा देंगे फर्श पर, फोल्ड कर लेंगे। अभी मैं सारे जो भी है इसमें फोल्ड्स पड़े हुए हैं वो सारे फोल्ड्स निकाल रही हूँ ताकि कटिंग हमारी प्रॉपर हो पाए, ठीक है। अभी मैंने मेज़रमेंट लेना स्टार्ट किया है तो वही मैं इसको ए लाइन में कट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसका जो विड्थ है वो काफ़ी कम है, जिस वजह से मैं इसमें एक जोड़ डालूँ, क्योंकि इसके ऊपर मेरा जो एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक आएगा तो इसमें जो जॉइंट है वो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो अभी ये मैंने कट कर दिया। अभी ये जो दूसरा फैब्रिक मैंने लिया है इसका मैं इसमें जॉइंट ऐड करूँगी। जॉइंट ऐड करने के लिए मैंने फैब्रिक को जहाँ से कम पड़ रहा है वहाँ पे फोल्ड लगा के देख लिया है कि किस तरीके का रहेगा, फिर मैं मेज़रमेंट करके उसको कट करूँगी। अब ये जो फैब्रिक है जहाँ पर भी जो जॉइंट्स डले हुए हैं उनको मैं स्टिच कर रही हूँ, ठीक है। स्टिच करने के बाद ये जो प्रॉपर स्टिच हो जाएगा उसके बाद इस पर फ्यूजिंग लगेगी, ठीक है। तो मैंने फैब्रिक फ्यूजिंग यूज़ की है जिससे कि जो है फैब्रिक थोड़ा थिक लगे और अच्छे से इसका बेस तैयार हो जाए तो अच्छा रहता है। फैब्रिक में अगर हम फ्यूजिंग लगा देते हैं तो फैब्रिक थोड़ा मोटा हो जाता है तो इधर उधर नहीं जाता। फिर हम सिक्योर कर रहे हैं इसके स्टिचिंग को ऊपर से एक और बार लगा के ताकि फैब्रिक अच्छे तरीके से फैल जाए। ये पेपर फ्यूजिंग है जो मैं लगा रही हूँ फैब्रिक के ऊपर, ठीक है। तो ये पूरा हम पेस्ट कर लेंगे, आयनिंग करने से ही पेस्ट होगा। इसमें एक तरफ ग्लू होता है जो आयनिंग करते टाइम पेस्ट करते हैं तो वो मेल्ट होके फैब्रिक पर चिपक जाता है, ठीक है। तो ये पूरा हम फैब्रिक के ऊपर लगा देंगे, बॉटम में जितना भी रहेगा सबके ऊपर। उसके बाद हम फिर से फैब्रिक को एक बार बिछा लेंगे। अभी क्या कर रहे हैं हम, फ्यूजिंग ठीक से लगाने के लिए पहले हम पिनिंग कर रहे हैं, हम पिन्स ऐड कर रहे हैं पूरे फैब्रिक में फ्यूजिंग के साथ, ताकि फैब्रिक जो है वो इधर उधर ना जाए और अच्छे से हो जाए, वरना बीच में लाइंस आ जाती हैं। तो उसी वजह से ही पूरा फैब्रिक है इसको बिछा के मैं फ्यूजिंग ऐड करा रही हूँ। तो ये सारा फ्यूजिंग है इसमें जो ऐड हो रही है, ठीक है। तो फैब्रिक को अच्छे से फैला के प्रॉपर तरीके से, एक भी बीच में कहीं प्लेट ना पड़े, तो हम जाके उसमें ऐड कर रहे हैं। अभी इसे ऐड करने के बाद ही तैयार हो गया। अभी मैं इस पर अपना फैब्रिक रख के इसी हिसाब से कट कर लूँगी, जो कि मेरा एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक है पूरा जो सबसे टॉप पर रहेगा। इसको प्रॉपर बिछा लिया, उस हिसाब से मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो अभी प्रॉपर हम वही करने में लगे हुए हैं कि इसमें कहीं से कहीं तक भी कोई भी एक प्लेट ना आ जाए। तो बिछाने के बाद अब कटिंग करना स्टार्ट किया है। ये मैं कटिंग कर रही हूँ, नीचे से थोड़ा सा फैब्रिक है, विड्थ कम है इसलिए कम हो रहा है। तो वहाँ पे मैं इस जो फैब्रिक है इसके पैचेस निकाल के ऐड करूँगी, तो वो बाद में मैं हाथ से लगाऊँगी तो वो बिल्कुल भी पता नहीं चलेंगे। तो अभी हम पिनिंग कर रहे हैं, पूरा जो कटिंग था फ्यूजिंग था उसके ऊपर सिक्विन फैब्रिक था, और सिक्विन फैब्रिक के ऊपर अभी जो है ये एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक का हुआ, तो पिन लगा रहे हैं ताकि फैब्रिक ना पूरा आपस में तीनों एक लेयर में चिपक जाएँ, ठीक है। तो अभी फिर इसको हम स्टिच कर रहे हैं सुई से, मतलब हाथ से इसको जहाँ हम टाँके लगा रहे हैं ताकि फैब्रिक बिल्कुल भी हिले ना, अपनी जगह पर रहे। इसमें मैं मशीन का यूज़ इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें सारा ना ये हैंडवर्क है, तो जहाँ हैंडवर्क होता है वहाँ पे दिक्कत ये होती है कि मशीन में मैं जाके अगर इसके सितारा निकालूंगी तो फिर वो अच्छे तरीके से निकल ही जाएंगे। अभी सारा यही चल रहा है। इसके बाद जो बॉटम का पार्ट था उसमें जो फ्रंट पार्ट है उसमें मैं प्लेट्स ऐड कर रही हूँ। तो ये प्लेट्स इस तरीके से हैं, मैं प्लेट्स इसलिए डालूँ, मैंने अपनी जो वेस्ट थी वो ज़्यादा ली थी ताकि मैं प्लेट्स डाल सकूँ, तो इससे फ्लेयर काफ़ी अच्छा आता है। तो अभी फालतू के जितने भी ये मोती हैं जो स्टिचिंग में आते हैं सारे पर्ल अभी निकाल रही हूँ मैं कटर से। उसके बाद ही स्टिचिंग होती है, पहले ही सारे निकालने पड़ते हैं वरना सुई बार बार टूटने लगती है। ये देखो इस तरीके से इसका क्लोजअप व्यू आएगा, कितना प्यारा व्यू आ रहा है। बहुत ही प्यारा फैब्रिक है, मतलब मेरा तो फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी फिर से अभी ये बैक का पार्ट है उसमें हम कर रहे हैं, तो उसमें भी सारे मोती निकाल रहे हैं हम ताकि स्टिचिंग में ना आए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टिचिंग में प्रॉब्लम देते हैं। अभी हम हमारा बॉटम का पार्ट तैयार है, अभी हम कटिंग कर रहे हैं चोली पार्ट की। तो वही मैंने 7 शोल्डर लेके इसको कट कर लिया है, और जो मार्जिन है
मार्जिन रख के 2 इंच का वो करा। अभी तो ये प्रिंसेस कट में कटिंग हो रही है इसकी, तो जो मेरा बस पार्ट है 34 है, तो उसी के हिसाब से 3.4 पे डार्ट डाले हैं। अभी इसमें जो है ये एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक है, एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक में से सेम कटिंग निकालेंगे, तो चोली पार्ट यहाँ से मैं एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक में से चोली पार्ट निकाल रही हूँ। मैं इस बात का इसमें ध्यान रखा है मैंने कि जो इसकी एम्ब्रॉयडरी है उसमें जो ये बीच में जो पत्ती बनी हुई है बड़ी वाली वो बीच में रहे, तो मैंने फैब्रिक को उसी तरीके से रखा है मिडिल पार्ट निकाल के कि हाँ ये जो एम्ब्रॉयडरी पार्ट है जो बीच में है वो बीच में रहे, उस हिसाब से मैंने इसका कटिंग कराया, इसलिए साइड से थोड़ा फैब्रिक भी वेस्ट चला गया है। बट कोई नहीं, वो थोड़ा लुक अच्छा आता है एम्ब्रॉयडरी का, इसलिए मैंने उसका मिडिल पार्ट ही लिया है। अब ये करने के बाद हम स्लीव्स कट करेंगे। अभी तो पहले चोली पार्ट है उसका प्रिंसेस कट में जो निकाला है वो निकालेंगे, फिर जाके उसका स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स कट करने के बाद हम स्टिचिंग पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो है प्रिंसेस कट में जो होता है मिडिल पार्ट, अभी ये वो है, तो मैं मोतियाँ निकाल रही हूँ, जितने भी एक्स्ट्रा मोतियाँ मैं निकाल रही हूँ क्योंकि ये स्टिचिंग में ना आए, और इसको प्रॉपर बराबर कट कर रही हूँ। अब उसके बाद एक एक करके चोली पार्ट हम ऐड करेंगे। तो ये एक साइड का पार्ट है जिसको मैं ऐड कर रही हूँ, इसके बाद जो दूसरा रहेगा उसको ऐड करूँगी, और फिर उसके बाद जो नीचे का जो लाइनिंग रहेगी उसमें मैं पैड डालूँगी। तो अभी ये दूसरा वाला साइड है, इसको भी फिनिशिंग करके मैं ऐड कर दूँगी। और ऐड करने के बाद ये मेरी सिस्टर है जो मुझे बीच में डिस्टर्ब करने के लिए आई है थोड़ी देर के लिए। तो अभी ये वाला पार्ट ऐड करने के बाद फिर इसमें हम ये ऊपर का, क्योंकि मुझे ऊपर से सिर्फ नेट रखना है, तो मैं ना उसी शेप में अब इसका ये वाला पार्ट कट कर रही हूँ ऊपर का, क्योंकि मुझे सिर्फ नेट रखना है। ये सॉरी गाइस, लाइट चली गई है, और लाइट नहीं चली गई है एक्चुअली, अंधेरा हो रहा है। अगर लाइट गई होती मेरी मशीन भी बंद होती, बट मैं रात में काम कर रही हूँ, इस वजह से लाइट्स ऑफ करनी पड़ी है मुझे, और सिर्फ मेरे मशीन की लाइट से मैं काम कर रही हूँ, जो कि ठीक रहता है। अगर प्रॉपर लाइट में काम करूँगी तो फिर मुझे इतना दिखता नहीं, क्योंकि उधर दिन में रोशनी कम रहती है। तो अभी बस यही है, इसका नेक निकाल रही हूँ। नेक पर जो भी मैंने स्टिचिंग लगाई है उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है वो निकाल रही हूँ, ताकि सिंपल एक हल्की सी लाइन दिखे कि हाँ यहाँ पे स्टिच लगा है। क्योंकि नेट में जब भी हम स्टिचिंग करते हैं कभी भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को नहीं रखते हैं, जो अंदर मार्जिन जो होता है उसको बिल्कुल नहीं रखते, सब कट कर देते। तो मैं वही कर रही हूँ फिनिशिंग के लिए, ताकि वो अच्छा दिखे, ये ना लगे कि हाँ यहाँ से हमने जोड़ा है या यहाँ से हमने ऐड किया है, वो चीज़ें ना दिखे। तो ये सारा मैं नेट अभी उसी तरीके से निकाल दूंगी। तो ये जो कटर है मैं कटर से यूज़ करके सारा फैब्रिक, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको निकाल दूंगी, जिससे कि प्रॉपर फिनिशिंग दिखे नेक पे। तो ये जो है जो शोल्डर पार्ट है पूरा मेरा नेट का रहेगा, उसमें नीचे कोई फैब्रिक नहीं रहेगा। तो ये मेरा गला तैयार हो गया है, अभी सिर्फ शोल्डर पार्ट में मैं स्टिचिंग करके एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल दूंगी, तो मेरा शोल्डर भी दोनों तरफ का तैयार हो जाएगा। अभी ये दूसरी तरफ का शोल्डर है जिसको कर रही हूँ मैं, तो मेरा पूरा चोली पार्ट ऑलमोस्ट तैयार हो ही जाएगा। अब ये करने के बाद मैंने ये मेटल की वायर ली है, क्योंकि मुझे स्कर्ट के अंदर बनाना है। स्कर्ट के अंदर कैन नहीं लग सकती है, क्योंकि फैब्रिक बहुत ज़्यादा हैवी है। मेरी ड्रेस का वेट अराउंड 10 kg था, तो उसमें कैन नहीं लगेगी, कितना भी कैन लगा लूँ फ्लेयर नहीं आएगा। तो वो मैंने रिंग्स काट के प्रॉपर साइज़ में, काफ़ी सारे रिंग्स काटे हैं 6-7, और फिर मैंने ये फैब्रिक की पट्टियाँ तैयार की हैं, और इसमें मैं वो रिंग डालूंगी। अब रिंग डालने के बाद मैं 7-7 inches के गैप पे, नीचे देखिए आप सारे रिंग्स पड़ी हैं, 7-7 inches के गैप पे उसको लगा दूंगी, ताकि